अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 और इसका हमारा टॉपिक है निहिमे गाड़ी यूनिट नंबर 1। हम इनसे पहले यूनिट नंबर 3 कर रहे थे दी प्लांट वर्ड, लेकिन चूंकि अब आप लोगों की असेसमेंट होनी है और उस असेसमेंट में आपको जो टॉपिक्स हमने असेसमेंट में इंक्लूड किए हैं, हम चाहते हैं कि आपको उनकी हम रिवीजन करवा दें, इसलिए अब दोबारा से मैंने यूनिट नंबर 1 जो है उसको स्टार्ट किया है। कुछ में इसके लेक्चर्स जो गूगल क्लासरूम में आपके पास नहीं है वो मैं डिलीवर करूंगी, फिर आगे जहाँ से होने स्टार्ट होंगे उनके लिंक सेंड कर दूंगी। तो ये इसमें हमारा टॉपिक है द ह्यूमन बॉडी, लेक्चर नंबर 1 है हमारा इस टॉपिक का, और आज हमने बुक पेज नंबर 6 और 7 करना है। एंड इट इज अबाउट द नर्वस सिस्टम, कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से वर्कआउट करता है। हम अपना जो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, नर्वस सिस्टम से स्टार्ट कर रही है, क्योंकि सबसे पहले हम अपने नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरह से और कौन कौन से फंक्शंस को फॉर्म करता है, इसकी क्या फंक्शनिंग है। तो इसमें यह है कि नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी हैं, ठीक है, इसमें इंक्लूड होते हैं। जब आपके पास, अगर आपके सामने आप यहाँ खड़े हैं, कोई आपको दूर से बॉल आपकी तरफ फेंक देगा, तो आप क्या करोगे, आप फौरन से उस बॉल को कैच करने की कोशिश करोगे ना, आप चाहोगे कि आप उस बॉल से बचो, आपको वो बॉल ना लगे, इसलिए आप उसको कैच करने की कोशिश करोगे, अपने हाथ ऐसे थ्रो करोगे ताकि वो बॉल आपसे दूर रहे, आपके किसी बॉडी पार्ट पर आकर वो ना लगे, ठीक है। तो ये हमें कौन बता रहा है ये सब कुछ करने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए जितने भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हमें हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन है वो गाइड कर रहा है। हमारा ब्रेन हमें बता रहा है कि हमने किस तरह से और किस टाइम पे आके किस चीज के अबाउट रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम जो है इसमें डिफरेंट हमारे नर्व्स हैं इंक्लूड हैं, ठीक है, इसमें हमारे नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, और वो पार्ट्स जो है वो हमें डिफरेंट वर्कआउट करने में हेल्प आउट करते हैं। तो अब ये है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है ये हमें किस तरह से ओवर फंक्शनिंग करने में, हमारी जो वर्ल्ड है उसके बारे में जानने में हमें किस तरह से हेल्प आउट करता है। तो नर्वस सिस्टम आउटसाइड वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन लेता है, फिर उसको हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है, फिर वो ऑर्गन्स क्या करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को लेते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को लेके हमारे ब्रेन तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। हमारा ब्रेन फिर हमें बताता है कि जो चीज़ हम सुन रहे हैं, जो आवाज़ हम सुन रहे हैं, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं या कोई भी काम है जो हम कर रहे हैं वो किस तरह का है और हमें उसके अगेंस्ट किस तरह से फिर आगे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है हमारा वो मेनली तो अगर मेड अप होता है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और बहुत ज्यादा डिफरेंट नर्व से, ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बहुत सी नर्व्स जो है इनसे मिलकर क्या होता है हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है। जैसे यहाँ पर आपको ये सामने नजर आ रहा है, ठीक है, ब्रेन, ब्रेन के बाद ये जो आपको लंबी सी एक नजर आ रही है लाइन वो क्या है, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड, और बाकी ये जो ब्लू लाइन्स आपको सारी नजर आ रही है ये क्या है, हमारी नर्व्स हैं, क्या जो मिलकर हमारी पूरी बॉडी के अंदर मैसेजेस जो जाते हैं कि हमने किस तरह से किसी भी काम के अबाउट रिएक्ट करना है, कोई आवाज़ सुन रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, तो ये नर्व सेल्स क्या करते हैं ब्रेन तक फिर मैसेज लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी नर्व्स वगैरह मिलकर क्या करती हैं, फिर हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन वगैरह मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है। और जो नर्व्स है, नर्व एक होती है वो क्या होता है, वो मेनली तौर पर एक फाइबर होती है जिसके अंदर इम्पल्सेस होती है, वो बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम के आगे दो मेन पार्ट्स हैं, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, मेनली तौर पर टू मेन पार्ट्स, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ब्रेन होती है और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन दिस वन और ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पीछे हमारी जो होती है रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं वो ये बैक साइड, ठीक है, पीछे वाला हिस्सा हमारी बॉडी का, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये मिलकर क्या बना रही है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर क्या है, सारी नर्व्स, ये बाकी की जितनी भी नर्व्स हैं ये सारी क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड ये, और ये हमारा ब्रेन जो ये
और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें सारी नर्व्स आ रहे हैं जो कि ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन के आगे डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, ब्रेन के टू पार्ट्स हैं, एक को कहते हैं सेरिब्रम और दूसरा क्या होता है सेरिब्लम। सेरिब्रम जो है ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और जो सेरिब्लम है ये हमारे ब्रेन का स्मॉलेस्ट पार्ट है। आगे सेरिब्रम जो है इसके फोर पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं? ऑक्सिपिटल लोब, पैरिटल लोब, फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब। और ये सारे जो हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं ये हमें डिफरेंट काम करने में हेल्प आउट करते हैं। आपने क्लास फोर में भी इनके बारे में डिटेल से पढ़ा है कि सारे डिफरेंट पार्ट जो है वो किस तरह से हमारी हेल्प आउट करते हैं। ये सेरिब्रम है ब्रेन का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, सेरिब्रम के साथ ही क्या होता है हमारी आगे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो रीढ़ की हड्डियां जो हमारे ब्रेन को बॉडी के साथ कनेक्ट करती है, जोड़ के रखती है। ठीक है, तो इसमें ये हमारे डिफरेंट पार्ट जो है कि टेम्पोरल लूप, फ्रंटल लूप, पैरेटल लूप, ऑक्सिपिटल लूप, तो हमें देखने में हेल्प करती हैं, आवाज़ों को सुनने में हेल्प करती हैं। ठीक है, फिर हमें बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट काम करने में ये हेल्प आउट करती हैं। तो आपने इस पेज को 6 और पेज नंबर 7 को घर में अच्छी तरह से रीड आउट करना है। इंशाल्लाह ताला कल हम आगे पेज नंबर 8 से नर्वस सिस्टम के बोर्ड जो थोड़ा बहुत हमारा रह गया उसको रिवाइज करेंगे। आपकी रिवीजन चल रही है, आप इसको घर में अच्छी तरह से रीड आउट करें ताकि जब आपके एग्जाम्स हो रहे हैं आगे, जब आपकी असेसमेंट होनी है, तो आप उसमें बहुत अच्छी तरह से अपना काम जो है वो कर सकें। ठीक है, थैंक यू।